गाइज बैक टू माई चैनल। गाइज आप सब कैसे हैं? सब आप अच्छे होंगे। तो गाइज आपने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा था, मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा था इस्कॉन टेम्पल जाकर। और वहीं से मुझे पता लगा था कि इस्कॉन टेम्पल का एक सेमिनार हो रहा है, तो मैंने वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ली, मतलब मिली थी मुझे, तो मैंने भी ज्वाइन किया है। तो मैं जा रही हूँ, आज वहाँ का फर्स्ट डे है। वैसे 3 डेज़ का सेमिनार हो रहा है, तो आज फर्स्ट डे है, तो चलते हैं जल्दी से और रेडी होते हैं फटाफट। यहाँ पे सीट मिल चुकी है, सीट नंबर, तो बैठना अपनी सीट पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कीर्तन से स्टार्ट होगा और प्रसादम पे विराम होगा। आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी आज भी और तीनों दिन। मेरी आपसे प्रार्थना है, आज क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा डिले हुआ है आपकी और हमारी तरफ से, कल से आप राइट टाइम 5 बजे यहां पधारेंगे। कभी कभी हमारे मन में आता होगा कि कितने ऐसे लोग हैं, युवा हैं और वृद्ध भी हैं, कुछ आधी उम्र के भी हैं, जो हमें ऐसा सुनने में आता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन करने के पीछे कारण क्या है? जब उनसे पूछा जाता है कि आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया और किसी अन्य धर्म को आपने स्वीकार किया है, तो क्या कारण रहा है इसके पीछे? तो वो कहते हैं जी, हिंदुत्व कोई विशेष नहीं है। जय राधा माधव पंजाबी हरी, पंजाबी हरी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन गिरवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जननंदन, और इसमें ये दिखाया था कि हैप्पीनेस की कैसे खोज करें। तो इस वीडियो में बस सब भागे जा रहे हैं बट कहीं किसी को कोई खुशी नहीं मिल रही है और सब ऐसे अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। बस ये भी दिखाया था और बहुत अच्छे से समझाया कि हमें हैप्पीनेस की कैसे खोज करनी चाहिए। और हाँ, प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि 3 घंटे का सेमिनार था तो नहीं बन पाया था, और बट हाँ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी। और आप देखिएगा कि ऐसे सेमिनार होता है और अगली बार होगा तो आप भी अटेंड कीजिएगा, तो देखिए आप।
वीडियो को देख करके क्या समझ आया? तो आज हमारे बीच में मुरादाबाद शहर की बहुत जानी मानी हस्ती हैं। वैसे तो आप सब माता जी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। माता जी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद की, एंड फाउंडर हैं प्रोजेक्ट स्नेह की। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट माता जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हम बहुत आभारी हैं माता जी के कि माता जी ने अपना कीमती समय दिया आज यहाँ आकर, और माता जी ने कई ऐसे सारे कार्य किए हैं जो इस छोटे से जीवन में कर पाना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। माता जी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, माता जी से मुलाकात हुई, माता जी के द्वारा इस कॉन को बहुत सराहना मिली। माता जी और उनके परिवार की ओर से इस कॉन को पहले भी काफी मदद मिल चुकी है, और हम आशा करते हैं कि माता जी और उनका परिवार आगे आए और हमें सेवाओं में इसी प्रकार मदद करें, ताकि हम कृष्ण भावनावृत का प्रचार बहुत अच्छे से मुरादाबाद शहर में कर पाए। जिस प्रकार से तो एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर मेरे साथ हाथ ऊपर करके सभी लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग जोरदार तालियों बजाकर एक बार माता जी का स्वागत करेंगे। की तड़पत और डर भी समझ सकते, काश मुझे मत मार, मुझे जीने दो, उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है, बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते, काश मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम, केवल मांस का नहीं है ये सेवन। उनके दुख दर्द नफरत तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं, कुत्ते बिल्ली पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स। वही जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार, परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद की लाइन लग रही है। तो गाइस फिलहाल घर आ चुके हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगा। पूरा ब्लॉग नहीं बन पाया, हम ब्लॉग में समझ में भी नहीं आता ऐसे, बट सीरियसली बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, वाकई में अच्छा लगा। थ्री डेज का सेक्शन है, अभी फर्स्ट डे था, लेकिन फर्स्ट डे में मज़ा आया। देखते हैं कल का सेक्शन। फिलहाल पूरा ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि फिर ब्लॉग में ही ध्यान रहता है बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ सीरियसली बहुत अच्छा लगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।